नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ऑर्डर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑर्डर से रिलेटेड क्या, कैसे हम ऑर्डर को क्रिएट करें, कैसे हम ऑर्डर में कंडीशन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑर्डर की वीडियो तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट मैं इसमें आपके लिए आज कुछ एडिशनल लेके आया हूँ। जैसे कि हेडर में जाके कैसे अमाउंट चेक कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर में एरर चेक कर सकते हैं, कहाँ हमें क्या डेट डालनी चाहिए, वो ए टू जेड आपको डीपली बताऊँगा वन बाय वन। तो दोस्तों, सबसे पहले टी कोड हम क्या यूज़ करेंगे, VA01 हमारा SD ऑर्डर के लिए। जैसे SD टी कोड से मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है, इसका टी कोड है VA01। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे VA01 टी कोड, एंटर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, हमने क्या एंटर किया, VA01 हमारा ऑर्डर क्रिएट के लिए। आपको ऑर्डर टाइप यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ऑर्डर टाइप की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो भी आपका ऑर्डर टाइप हो जेड से, वो आप यहाँ सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही ZSCR मेरे ऑर्डर टाइप ले लेता हूँ। आपका जो भी ऑर्डर टाइप है आप वो ले सकते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालनी है आपको, जो भी आपकी कंपनी की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आप सर्च करके फाइंड कर सकते हैं कि आपको चैनल डालना है। उसके बाद आपको डिवीज़न डालना है, जो भी आपका डिवीज़न है। इस तरह दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर टाइप डालना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालना है और डिवीज़न डालना है। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेल्स ऑफिस और सेल्स ग्रुप नहीं भी डालेंगे, ये ऑप्शनल फील्ड है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पार्टी का नाम डालना है, जो भी आपका कस्टमर होगा। मैं अभी एक कोई भी अपना कस्टमर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपको कस्टमर रेफरेंस में आपको, जैसे कि ऑर्डर आया बाय फ़ोन आया बाय मेल आया, या जो भी आपका रेफरेंस हो वो आपको रेफरेंस डालना है, या आपको किसी PO नंबर के अगेंस्ट आया हो तो आपको वो नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जिस डेट का इन्वॉइस बना रहे हैं आप वो डेट डालेंगे। यहाँ पे मैं आज की करेंट डेट डाल रहा हूँ 7 मई। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट टर्म्स पूछता है। पेमेंट टर्म आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फील होता है, ऑटोमेटिकली फीड है पहले से ही, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपको डालना है, 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, विदिन 90 डेज़, जो भी आपको डालना है ये डाल सकते हैं। आपके पेमेंट टर्म्स आपकी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, Z90 डाल रहा हूँ। इनको टर्म्स में आपको यहाँ पर सर्च करके भी उसमें चेक कर सकते हैं कि कॉस्ट एंड फ्रेट डालना है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट डालना है, कैरिज फ्रेट डालना है। मैं भी कॉस्ट एंड फ्रेट डाल रहा हूँ, जो भी आपकी कंपनी यूज़ करती है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप माल कहाँ भेज रहे हैं, आप लोकेशन डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। दोस्तों, ये क्या हो गया, एग्जांपल के लिए कस्टमर ले लिया मैंने, कस्टमर रेफरेंस में हमने बाय मेल ले लिया, डेट डाल दी है, पेमेंट टर्म्स ले लिए, इनको टर्म्स ले लिए और भोपाल ले लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर मटेरियल डालूँगा। सपोज़ मेरा एक से ज़्यादा मटेरियल है तो यहाँ मुझे बार बार ये करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन। इससे अच्छा है कि मैं आइटम ओवरव्यू पर क्लिक करूँ। आइटम और रुपये पे क्लिक करने के बाद मुझे स्क्रीन बड़ी दिखेगी और यहाँ मैं इजीली अपना मटेरियल डाल सकता हूँ। अब आपका जो भी मटेरियल हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मटेरियल की क्वांटिटी डालनी है, क्या क्वांटिटी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लांट डालना है, आपकी कंपनी का क्या प्लांट है। यदि आप इंटर करेंगे तो कभी कभी ऑटो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, यदि हमने BP बिजनेस जब भी इसका कस्टमर ओपन किया होगा उस समय हमने लिया होगा तो ये पहले से आ जाएगा। अदरवाइज हमें यहाँ पर आपका प्लांट डालना पड़ेगा, जो भी आपकी कंपनी का प्लांट होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या डाला है, मटेरियल डाला है, क्वांटिटी डाली है और प्लांट डाल दिया है। तीन चीज़ें हमने यहाँ पे फिट कर दी हैं। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करेंगे तो आपके सामने ये अभी ये प्राइस का एरर आ रहा है कि प्राइस क्या है, इसमें ऑटो डिफ़ॉल्ट नहीं है, प्राइस मैन्युअली डलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल पर डबल क्लिक करके और ये कंडीशन पर जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने क्या रेट डाला है, क्या मटेरियल कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 9% TCS क्या है, और ये ZPR2 हमारा प्राइस इसमें मिसिंग है तो मैन्युअली ये क्या है, मैन्युअली फीड है। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ऑटो डिफ़ॉल्ट आती है। अभी मैंने 100 रुपये एग्जाम्पल के लिए ले लिया है तो यहाँ पे 10 क्वान्टिटी थी, 100 × 10 1000 हो गए, डिस्काउंट 0 है, अमाउंट CZ टैक्स 9% 90 रुपये लगा है,
टैक्स जोड़ने के बाद 1180 और 1% TCS, तो अमाउंट होगा 1191 रुपये। तो दोस्तों इसी तरह आप मटेरियल पर डबल क्लिक करके उसके डिटेल्स देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले हेडर में जाके और कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ ओवरऑल मटेरियल की दिखाती है और वहाँ पे मटेरियल पर डबल क्लिक करने के बाद वह स्पेसिफिक मटेरियल की डिटेल्स दिखाएगी और यहाँ पे ओवरऑल डिटेल्स दिखाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह हमने ऑर्डर बनाया। अब इसमें क्या चीज़ें हैं कि हमें चेक करना है, कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो एरर के लिए एडिट पे जाना है, इनकम्प्लीट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा है ग्रॉस वेट नेट वेट, तो आपको ग्रॉस वेट नेट वेट पूछेगा, तो आप यहाँ पे 1 और 1 डाल सकते हैं। तो इस तरह 1 1 फीट करा हमने, बैक करा। तो दोस्तों अभी क्या देखा हमने, एक हमारा कस्टमर देखा 81, वह कस्टमर रेफरेंस में मेल और डेट 7 मई, मटेरियल देखा, क्वांटिटी देखी, प्लांट देखा और हेडर में जाके हमारे हेडर कंडीशन में जाके इसका अमाउंट देखा। इसी तरह आप सेल्स पे क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं, बिलिंग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, पेमेंट टर्म्स देख सकते हैं, अकाउंटिंग देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप जिस तरह चाहें उस तरह देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स आपके सामने शो हैं। तो ये बैक जाऊंगा। अब इसमें क्या होता है, सेव करने के बाद ऑर्डर सेव हो जाएगा। जैसे अब मैंने देखा कि वापस गया एडिट में, इनकम्प्लीटनेस में गया, मैंने देखा कि कोई एरर नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट इज कम्प्लीट है। उसके बाद मैं अपना इन्वॉइस सेव करूँगा। जैसे मैंने अपना इन्वॉइस नहीं ऑर्डर, जैसे मैंने ऑर्डर सेव करा तो नंबर जनरेट हुआ। दोस्तों जैसे नंबर जनरेट हुआ, मैंने आपको क्या टी कोड बताए थे, VA01 से ऑर्डर बनाते हैं और VA02 में चेंजेस करते हैं। अब सपोज़ मुझे कोई चेंज करना है या मुझे अपने ऑर्डर का फ्लो चेक करना है। दोस्तों हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती है। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने डिलीवरी बना दी, इन्वॉइस बना दिया, उसका ऑर्डर नंबर लिखना भूल गया हूँ। तो आपको सबसे अच्छा क्या करना है, यहाँ पे ये फ्लो दिख रहा है, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ईजिली चेक कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ ऑर्डर बना है, बाकी कोई भी नंबर इसमें जनरेटेड नहीं है। तो इस तरह इसका ऑर्डर जनरेट हुआ है। अब मुझे यदि कुछ एडिट करना है तो मैं VA02 में ऑर्डर नंबर यहाँ पे फीड करने के बाद एंटर करूँगा, तो वापस की आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो मटेरियल चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो मटेरियल पे डबल क्लिक करके कंडीशन में जाके इसका रेट वापस चेक कर सकते हैं कि रेट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह आप ऑर्डर में उसका ऑर्डर और उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर कैसे बनाते हैं और ऑर्डर में क्या कस्टमर, मटेरियल, क्वांटिटी और प्लांट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने क्या देखा, VA01 से ऑर्डर, VA02 से चेंजेस और VA03 भी सेम है। उसकी ऑर्डर के प्राउच डिस्प्ले देखने के लिए कि हमने क्या ऑर्डर बनाया था, VL01 से डिलीवरी बनती है, VL02 से PGI होती है और हमारा VF01 इनवॉइस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, नॉर्मली टी कोड्स हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि हम ऑर्डर कैसे बनाते हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और यदि आपको और भी कुछ नई चीज़ें सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।